अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, ये हमारी बकरीद की रेसिपी जो बहुत लेट है आप लोगों को शेयर की जा रही है। मैंने दिल, कलेजी, फेफड़ा, तिली तमाम चीज़ों को कट करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया, फिर उसे छन्ने में निकाल दिया और ताकि सारा पानी निकल जाए और उसमें स्मेल ना हो। मैंने पतीली में तकरीबन 4 कप ऑयल डाला और ये आधा किलो प्याज, उसको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से, इतना फ्राई करूँगी कि ये ब्राउन हो जाए। इसको फ्राई करने के बाद मैं इसमें जो है देखें इस तरह कलर और थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए, इस तरह के अभी ये ब्राउन हो गया है। मैंने इसमें सारी तमाम चीज़ों को डाल दिया है, तमाम फेफड़ा जो भी है वो सब सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब मैंने 7 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का यूज़ किया है और इसको अच्छी तरह से इसमें कुक कर लिया। इसको इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, देखिए कलर चेंज हो गया है। कलर चेंज होने के बाद अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक मैंने इसमें 3 चम्मच डाला है, आप चाहे तो 4 चम्मच डाल लें, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगा अगर आप 4 भी 8 डालते हैं तो। फिर इसको अच्छी तरह से दोबारा भूनेंगे ताकि इसमें से स्मेल निकल जाए। रेड चिली मैंने यहाँ पे 3 चम्मच डाला है और हल्दी का भी जो इस्तेमाल हमने किया है वो 3 चम्मच यूज़ किया है। हल्दी भी, हल्दी ज़्यादा इसलिए यूज़ करते हैं बराबर, क्योंकि स्मेल जो होती है आपके ग्लेज में आपको पता है वो ना हो। 3 चम्मच धनिया पाउडर डाला, 3 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर डाला। अब इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने इतना भूनेंगे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और फिर इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे जब ये इसका अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। तो अब ये देखिए मिक्स हो गया, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी तकरीबन आपने इसमें 2 ग्लास डालना है क्योंकि फ़ौरन गल जाएगा। फिर इसको आपने बंद करके रख देना है, बंद करना है और फिर ये गल जाए तो इसमें टमाटर डालना है। टमाटर हमने 5 डाले हैं। टमाटर डालने के बाद भी आपने इसे बंद करके लो फ्लेम में कुक करना है। जब ये टमाटर गल जाए तो अच्छी तरह से इसको भून लेना है। हमने यहाँ पे इसे भून लिया है और फिर इसमें गरम मसाला डाल देना और कुटी मिर्च भी डाल देना है। लास्ट में गरम मसाला और कुटी मिर्च हम इसलिए डालते हैं ताकि जायका बहुत ज़्यादा हो। फिर इसको अच्छी तरह से दोबारा से इसे भून लेना है, अच्छी तरह से इसे कुक करना है और उसके बाद हम इसमें 3 लेमन डालेंगे। अब इसे देखिए पहले कुक कर रहे हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे जब ये अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ गया तो हमने यहाँ पे 3 लेमन यूज़ किया है। वीडियो में एक शूट किया है लेकिन 3 लेमन यूज़ किया हमने, इतनी चीज़ों में हमें 3 लेमन यूज़ करना, थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा हो जाए। सालन हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम।